हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बेटा हमने लास्ट वीडियो में हमने बात की थी आइडेंटिटीज़ के बारे में कि आपकी तीन आइडेंटिटीज़ होती हैं। फर्स्ट हमने बताई थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका कितना होता है 1। देन सेकंड हमने डिस्कस की थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एक्सरसाइज 8.4 जो एनसीईआरटी की बुक है, आपकी जो एनसीईआरटी वाली बुक है उसकी एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 3 के मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट यहाँ पर लिए हैं, तो देखेंगे इनको ध्यान से जरा। पहला पार्ट है आपका साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73। अब अगर हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो सबसे पहले तो आपको एंगल को चेंज करना आना चाहिए। इससे प्रीवियस क्लास में हमने ये सब चीज़ें डिस्कस की हैं कि एंगल हम कैसे चेंज करते हैं। तो आप ये साइन है, अब आपको देखो यहाँ पर साइन और कोस के साथ आइडेंटिटी है, इट मीन्स आपको कौन सी आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। यहाँ पर क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ आना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी आपको बनानी पड़ेगी। तो आप या तो इसको चेंज कीजिए या इसको चेंज कीजिए। भाई एक साइन है तो दूसरा क्या बनाना पड़ेगा आपको, कोस। सपोज दैट मैं फर्स्ट वाले को एज इट इज रहने देता हूँ 63 डिग्री। क्या मैं इस 27 को लिख सकता हूँ 90 माइनस 63, इसको लिख सकता हूँ मैं अपॉन कोस स्क्वायर 17 डिग्री। तो आप इसमें भी आप क्या कर लीजिए, फर्स्ट वाले को चेंज कर लो या लास्ट वाले को, कोई से एक को चेंज कर लो। सपोज दैट हमने फर्स्ट वाले को चेंज कर लिया, इस 19 माइनस 63 इसको राइट डाउन कर सकते हैं, प्लस ये कितना हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर 73। अब देखिए ऊपर आपका साइन स्क्वायर 63 एज इट इज रहेगा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्लस साइन स्क्वायर। अब देखिए 90 माइनस थीटा क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो 90 पे चेंज होता है, और 90 पे साइन किस में चेंज हो जाता है, कोस में। तो ये हो जाएगा कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 63 डिग्री। नाउ अगर हम बात करें कोस स्क्वायर 90 माइनस 63, तो यहाँ पर भी कोस किस में चेंज हो जाएगा आपका, साइन में। देन साइन स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या है आपका थीटा की वैल्यू 63 प्लस यहाँ पर है ये आपका 73, ये आएगा आपका 73। अब यहाँ पर क्या है आपका कोस स्क्वायर 73। अब आपको देखते ही समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो आपकी ऊपर भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और नीचे भी वैल्यू डिनोमिनेटर में भी क्या हो जाएगी 1। यहाँ पर आप मेंशन करेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी आपने अप्लाई की या कौन सी आइडेंटिटी आपने अप्लाई की। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो आपका 1/1 आंसर आ जाएगा आपका 1। तो दैट इज योर आंसर। सेम इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसका पार्ट सेकंड सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी साइन कोस है और यहाँ पर भी आपका साइन कोस है, तो हमें क्या बनाना है, यहाँ पर आइडेंटिटी बनानी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो आप इसको, ये साइन है, आप इसको एज इट इज रहने दीजिए साइन 25। क्या आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं कोस 90 माइनस 65 प्लस ये आपका कोस 25 है, क्या आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं साइन 90 माइनस 65। देखिए अब ये क्या है आपका, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर भी 25 है। अब देखिए यहाँ से ये साइन 25 हो जाएगा और ये कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई साइन 25 प्लस ये कोस 25 है आपका, और ये भी साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोस, सॉरी इसको हम लिखेंगे 25, तो कोस 25। अब ये आपका बन गया बेटा, साइन और साइन की मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर 25 प्लस कोस स्क्वायर 25, और इसकी वैल्यू क्या होगी 1। किस आइडेंटिटी से, फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसी तरह के काफ़ी क्वेश्चन इस पर आएंगे, और हम काफ़ी इस टाइप के जितने भी 8.4 में क्वेश्चन है वो सारे आप जो हैं स्टेप बाय स्टेप हम इसको डिस्कस करेंगे एक एक वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।